वेलकम टू मलिक स्पोर्ट्स इंडिया वंस अगेन। दोस्तों आज मैं आपको फिर से अपने जिम इक्विपमेंट्स के सामान की बेसिक इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं कि किस तरीके से हमारे सामान की क्वालिटी होती है और किस तरीके का हमारा जिम का सामान होता है। सबसे पहली मशीन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये है हमारी लैट पुल डाउन विद सीटेड रोइंग। अगर इसकी बात की जाए मशीन की क्वालिटी की, तो आप देख सकते हैं कि जैसा मेरा हर सामान होता है, ऑलमोस्ट सारा ही सामान हमारा पाउडर कोटेड में होता है। ये हमारा जो सामान है वो है हमारा ब्लैक और रेड कलर में। अगर बात की जाए इसके कवरिंग की, इसकी लेजरिंग की, तो आप अपने नाम से पूरी तरीके से मशीन को कस्टमाइज करा सकते हैं अपने हिसाब से। एक चीज मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कमिटमेंट है ये मेरा, वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल गिव यू। आप चाहे किसी भी तरह की मशीन हमसे कह सकते हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, इस बात को बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये चीज़ कहना, कि हमारी जो फैक्ट्री है वो मेरठ के अंदर है और मेरठ के अंदर हमारे लिए ईजी है हर तरह की मशीन बनाना, फुल तरीके से कस्टमाइज करना। आप जैसी मशीन चाहें वैसी मशीन हम लोग आपको इजीली प्रोवाइड करा देंगे। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इस मशीन को, तो आप अपने नाम से भी इसको जो है लेजरिंग करा सकते हैं, अपने नाम से इसको कस्टमाइज करा सकते हैं। पहली मशीन जो है ये है मेरी लैट पुल डाउन विद सीटेड रोइंग। थोड़ा सा हल्का सा लिटिल आपको इसका वर्कआउट करा दें। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट मशीन आती है ये है मेरी मल्टीप्रेस मशीन है। इसके अंदर क्या है हमारा ऑलमोस्ट, अगर किसी वेट वाली मशीन की मैं बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा अगर वर्कआउट किसी मशीन में होते हैं तो इस वाली मशीन में मेरे सबसे ज़्यादा वर्कआउट हो जाते हैं। इसमें मेरा जो है आपका इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट, ठीक, और मेरा 90 डिग्री के एंगल का भी मेरा वर्कआउट हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें जो है हमारा शोल्डर का भी हमारा वर्कआउट हो जाता है। थोड़ा सा इसका ना मैं फीचर्स बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से ये परफॉर्म होता है। ये आप देख सकते हैं पूरे तरीके से ये जो है हमारा हैंडल जो है अच्छे से रोटेट होता है। दूसरा ये इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो आप लेजर केचर देख रहे हैं, हमें इसकी हेल्प से जो है ये इजीली हमारा इस तरीके से जो है ये हमारा, ये अभी हमारा 90 डिग्री के एंगल पे आ गई ये सीट, इस हिसाब से जो है ये हमारा रोटेट होगी ये हमारी पूरी सीट, ये पूरी फ्लैट पे भी चली जाएगी हमारी अभी ये हमारी पूरी, और अब हमारी पूरी डिक्लाइन की पोजीशन पे ये आ गई है। थोड़ा हल्का सा इसका मैं आपको वर्कआउट करा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका मशीन का वर्कआउट। जैसे कि अभी आपने इस मशीन का वर्कआउट देखा है, आपने खुद फील किया होगा वीडियो के अंदर कि मशीन का मूवमेंट बिल्कुल ओके है, मशीन जो है बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी मशीन की वारंटी गारंटी हमारे यहाँ तक की नहीं है, जहाँ हम लोग आपके यहाँ पर जिम सेटअप कर रहे हैं, हमारी वारंटी गारंटी आपके यहाँ इंस्टॉलेशन तक की है हमारे सामान की। और ये मैं चीज़ ना लेटर पैड पे लिख कर दूंगा आपको कि हमारे जिम की सामान की वारंटी गारंटी, रिपीट कर रहा हूँ, आपके यहाँ तक है जहाँ पर आप जिम इंस्टॉल करा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट मशीन का जो बात की जाए, ये मेरी थाई एबडक्टर मशीन है मेरी, थोड़ा नज़दीक आइए, इसका भी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। हालांकि ये मेरे नेक्स्ट सेटअप की है, रेड ब्लैक में ही था, तो लड़कों ने बाय मिस्टेक यहीं पर इसको इंस्टॉल कर दिया।
ये मशीन भी मेरी बहुत बहुचर्चित मशीन है, एक नंबर मशीन है ये मेरी, और सबसे ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट मेरे हर सेटअप में जा रही है ये वाली मेरी मशीन। और ये मशीन अपने आप में एक चैलेंज होता है इसको बनाना परफेक्टली, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारी मशीन बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। इसका मूवमेंट और इसका जो वर्कआउट है बिल्कुल परफेक्ट एकदम। और इसके बाद जो मशीन आती है वो है हमारी आइसोलेटरल ट्रीचर कल, ये मशीन भी हमारी काफ़ी जा रही है। हल्का सा इसका वर्कआउट भी मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ। ये मशीन हमारी जो है ऑलमोस्ट, ये भी हमारी मशीन हर बार जा रही है, हर सेटअप में जा रही है। इससे पहले जो गई थी रेड ब्लैक में गई थी, इससे पहले गई थी ग्रे ब्लैक में, और उससे पहले भी जो है हमारी ग्रे ब्लैक में गई थी। कॉन्टिन्यूसली जा रही है ये मशीन हमारी। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा वर्कआउट करा के दिखा देता हूँ, इसके फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। इसकी सीट भी हमारी पूरी इस तरीके से है, ये रही, जहाँ चाहे इसको वहाँ हम रोक सकते हैं। बाद जो मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ, एक ऐसी मशीन से इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ विच यू हैव नेवर सीन बिफोर। आपने अपने आसपास के एरिए में इस तरह की मशीन बहुत ही रेयर चांस में देखी होगी। इस मशीन को जो बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं रोबो फंक्शनल ट्रेनर मशीन, इसको बोलते हैं। इस मशीन के थोड़े से फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, इस मशीन में सारे ही मेरे वर्कआउट वो हो जाते हैं जो केबल और केबल क्रॉसओवर में और फंक्शनल ट्रेनर में होते हैं। फंक्शनल ट्रेनर क्या है, हमारा बहुत कम स्पेस लेता है, और केबल क्रॉसओवर जो है हमारा ज़्यादा स्पेस लेता है। लेकिन ये मशीन ऐसी मशीन है जो हमारा केबल क्रॉसओवर का भी वर्कआउट कर देती है, और हमारा फंक्शनल ट्रेनर का भी इसके अंदर वर्कआउट हमारा हो जाता है। इस मशीन को जितने भी हमारे सारे वर्कआउट हैं ये हमने चार्ट के जरिए इसके अंदर जो है बताए हैं। दूसरा, इसका जो ये एंगल है ये पूरा 180 डिग्री तक इसका पूरा एंगल हो जाता है मेरा, ये पूरा रोटेट होता है, इसका जो मूव है 180 डिग्री तक ये जो है आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर ये रहा, ये पूरा हमारा 180 डिग्री तक जो है ये हमारा पूरा एंग वाइड ऑफ रेंज इसकी पूरी इस तरीके से हो जाएगी, और यहां से भी जो है हमारा ये जो है इस तरीके से हो जाएगा, ये 90 डिग्री तक जो है इसका रोटेशन पूरा मूव है। इस मशीन का बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो चीज जो है हमारे जिनके पास स्पेस का इशू रहता है या जिसको कोई यूनिक मशीन लेनी है वो इस मशीन के साथ जा सकते हैं। केबल क्रॉसओवर में क्या होता है, हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इस मशीन में क्या है, हमारी केबल क्रॉसओवर की भी एक्सरसाइज हमारी हो जाती है। स्पेशली मशीन क्या है, केबल क्रॉसओवर लेने के लिए हमें क्या होता है, जो हमारी ओवरहेड बाइसेप कर्ल होता है वो सिर्फ हमारा केबल क्रॉसओवर में होता है, ओवरहेड बाइसेप कर्ल। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग इसकी हेल्प से जो है हम लोग ओवरहेड बाइसेप कर्ल भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे हैंडल्स हैं ये हमारे इस केचर की हेल्प से पीछे की तरफ हो जाते हैं। तो हमारा क्या है, इसकी एक्सरसाइज जो है ओवरहेड बाइसेप कर्ल आ जाएगी आसानी से, जो हमारी केबल क्रॉसओवर में होती है। थोड़ा सा मैं हल्का सा इसका छोटा सा वर्कआउट करा देता हूँ। अगर बात की जाए इसके अंदर वर्कआउट की तो 50 प्लस एक्सरसाइज होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मैं इसके अंदर आपको एक्सरसाइज करा के दिखाता हूँ आपको। अब मैं जो आपको इस मशीन का एक खास बात बताने जा रहा हूं, इस मशीन की एक खास बात है, यू विल बी शॉक्ड के मतलब इस मशीन का बायो मैकेनिज्म किस तरीके का है। अगर मैं आपसे बात करूं इस मशीन की वायरिंग की, तो अगर हम कदम भी आगे चलेंगे तो भी ये मशीन जो है हमारी मतलब इसकी जो है ये चीज हमारी खिंच जाएगी, इसकी वायरिंग आप देख रहे हैं, इसकी वायरिंग यहाँ से लेकर बिल्कुल वहां तक है। आप देखिए इसकी
मैकेनिज्म इसका कितना है इस मशीन का, ये देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर बिल्कुल जादुई मशीन है। इस मशीन का बायो मैकेनिज्म उसी को पता चलेगा जब इसका जो है हमारे मशीन के कवर खुलेंगे कि किस तरीके से हमने इसको जो है बिल्डअप किया है। बहुत मेहनत से बनाई है इस मशीन को हमने, मूवमेंट बिल्कुल ओके है, एक नंबर मशीन है। थैंक यू। मशीनें पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।